अबे क्या कर रहे हो, शोर मचा रहे हो? अबे कितना शोर मचा रहे हैं ये? यार ये कितने बड़े नमूने हैं। इनका गद्दा बदला जाएगा, देखो किससे शोर मचा रहे हैं ये। ओ भाई निकलने को तैयार। अबे जल्दी दे मेरे नमूनों को, मेरे को अबे दे रहे नहीं है जल्दी दे। अबे यार आराम आराम से पियो यार। अबे लाइन नहीं लगाते ये बदतमीज, एक साथ लग जाते हैं। अबे लाइन लगाए करो, मेहनत सीखो यार थोड़े से बदतमीज। मुझे रॉक्सी के नहाने का देना है और रॉक्सी की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पपीज हैं। तो रॉक्सी के डॉक्टर ने मुझे कुछ चीजें रिकमेंड करी है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। मैंने ये कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे जो कि अभी मेरे पास आए हैं, जिसमें शैम्पू है और ये शैम्पू है और इसमें ये है टिक स्प्रे, मतलब जो टिक्स वगैरह हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं यार, अरे रुक जा यार, चलो इसको नहलाते हैं पहले और फिर मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताता हूँ। रॉक्सी अंदर चलो नहाना है, इधर आ जा। अबे यार कितने बदतमीज हैं यार ये लोग, सर्दी में नहाते हैं। सिट डाउन सिट डाउन। अबे मेरे को यहाँ बैठा दे नीले में, कितने नालायक हैं ये लोग। मोदी आंटी तो लगता है नहाने गई हैं, मैं उनके पप्पी चुरा लेती हूँ, मैं सारे बच्चे चुरा लूंगी, बता रही हूँ मैं। ओ कौन सा वाला लूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला तो बहुत अच्छा है, चलो। ओ अब मैं इसके साथ खेलूंगी। हेलो आपकी मम्मी मोटी हैं, उनके साथ मत खेलो, मेरे साथ खेलो। ओ ये तो खेल ही नहीं रहा, मेरे साथ खेलो प्लीज। ओ खेलो ना। स्मूथ सिल्की कोट शैम्पू विद कंडीशनर फॉर डॉग एंड कैट्स। ये प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट करा था रॉक्सी के डॉक्टर ने क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और वेट रिकमेंडेड है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डॉग ब्रीड्स। इसके अंदर सल्फेट का यूज बिल्कुल नहीं है, जिससे कि मतलब होता है क्या कि हमारे डॉग के स्किन को और हेयर को किसी तरीके का डैमेज नहीं होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए लाइक एलोवेरा वगैरह से और पीएच बैलेंस्ड, ये एक प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, सबसे बड़ी बात ये है। और देखो वेट रिकमेंडेड सुटेबल ऑल ब्रीड्स। पर्सनली बात करूं तो ये एक मुझे बजट फ्रेंडली बेस्ट प्रोडक्ट लगा। ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भाई एक चीज और, ह्यूमंस का जो शैम्पू होता है वो डॉग्स पे यूज ना करें, डॉग्स के लिए अलग से ही शैम्पू लें। थैंक यू। और ये लाइट इसने बंद कर दिया, देर हो गया सारे में। और लाइट खोलो। ओके यार मेरे को लाइट बंद हो गई, बदतमीज। और गाइस काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके डॉग को टिक हो चुके हैं तो वो क्या करें, वो टिक स्प्रे यूज कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था ये एक टिक स्प्रे है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली इसका जो यूज करने का तरीका पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको देखो कैसे सो रहा है, मेरे नमूने से दूर है। तो भाई इसका यूज करने का तरीका है वो ये है कि अगर आपके पप्पी को टिक होते हैं तो पप्पी के ऊपर सीधा इसको स्प्रे नहीं करना है। पप्पी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लाइक वो जहां बैठता है, लाइक वो यहां बैठता है तो यहां पे स्प्रे कर देना है। आफ्टर 10 to 15 मिनट उसको यहां पे बैठा देना है, ठीक है। और अगर आपका डॉग है उसको टिक हो जाते हैं तो आप उसको सीधा स्प्रे कर सकते हैं, ये जिससे कि टिक की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर चेकआउट जरूर करें। ओबे गिन लेती हूँ, 1 2 3 ओबे बच गई, 3 ओबे एक कम है यार। ओबे एक नमूना कहाँ गया मेरा, मेरे को गुस्सा आ रही है बहुत ज्यादा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ दूंगी। ओबे नमूने को लाओ, फोड़ दूंगी इन सबको, खरगोश को ढूंढो, उसको भी मारूंगी पैर में, बदतमीज। ओबे ये तेरे पास क्या कर रहा है? रॉक्सी देख ही रहा, मुझे दे दो मेरे को। अबे ये तेरे पास कैसे आ गया? चीनी ले रही है रॉक्सी, चीनी ले रही है, देख ले। और ये ले गई थी क्या छुड़ा के मेरे बच्चों को? अब इसको मारूंगी मैं, इसको मत इधर साले खरगोश, तेरे को मैं पटक पटक के मारूंगी। मैं आपको उठा के पटक दूंगी। अबे तू मेरे को उठा के पटकी, मैं तेरे को पटक के उठा दूंगी, इधर साले इधर, तू मेरे बच्चों को जलाएगी, बदतमीज। ओ मोटी आंटी वो देखो, वो तो आपका जानी दुश्मन है। अबे दोनों मिलकर मारेंगे इसको। मोटी आंटी मारेगी वो आपको, उसके पास मत जाना, बता रही हूँ मैं। अबे आजा। अरे इस बदतमीज खरगोश ने आप पॉटी कर दी, एक भी एक नंबर का बदतमीज है, कहीं भी ढक देता है। मुझे अभी छुपाओ। अबे यार हम लोग सो रहे हैं यार, चुप रहे, वीडियो बना, बंद कर इसको।